हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एक्स ग्राफिक्स टूल कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 10 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना या नहीं तो कीबोर्ड से विंडो की प्रेस कीजिएगा। करते हैं, ये विंडो आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेटिंग का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐप एंड फीचर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको मैनेज ऑप्शनल एंड फीचर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से प्लस का आइकन होगा एंड ऐड ए फीचर लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ग्राफिक्स टूल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। चलिए मैं इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। तो आपको कैसे पता चलेगा इंस्टॉलेशन चल रहा है या नहीं चल रहा, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, बैक चले जाएगा। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ग्राफिक्स टूल्स अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेकंड वेट कीजिएगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए मैं अभी कुछ सेकंड वेट करता हूँ। आप देख रहे हैं कुछ सेकंड वेट करने के बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा ग्राफिक्स टूल इंस्टॉल हो चुका है। और जो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, वापस आप जब ऐड एंड फीचर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो लिस्ट नहीं दिखेगा, यहाँ पे वही लिस्ट दिखेगा जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। और जो इंस्टॉल है वो इंस्टॉलेशन लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने सिस्टम या लैपटॉप को क्या करना है, रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आप यूज कर सकते हैं। यदि आप ग्राफिक टूल्स को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ग्राफिक्स टूल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा अनइंस्टॉल को, तो आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करके आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यही आज का हमारा टॉपिक था, डायरेक्ट एक्स ग्राफिक्स टूल कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 10 के अंदर। करके दिखा दिया, फिर भी आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।